यमुना पानी से लबालब नजर आए, इसको लेकर जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह सभी प्रयास होने वाले G20 की बैठक को लेकर हो रहे हैं। सिंचाई विभाग यमुना को तलहटी को सही करने व साफ करने में जुट गया है। फरवरी में प्रस्तावित G20 मेहमानों की पहली बैठक होनी है। G20 देशों के मेहमानों के लिए यमुना की सूरत बदलनी है, इसके लिए सिंचाई विभाग यमुना की तलहटी को समतल करने, उसके आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसके बाद यमुना लबालब नजर आए और एतमादौला से एक अद्भुत दृश्य मेहमानों को देखने को मिले। राकेश बाबू, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग LDSC आगरा, G20 के अंतर्गत जो अगले माह फरवरी माह में बैठकें होंगी यहाँ पर, तो उसके साथ ही यहाँ पर ये जो कोई गंदगियाँ हैं यमुना के किनारे, इसको साफ करना है और सिंचाई विभाग की जो जिम्मेदारी जो आगे आपको टीलें दिख रहे हैं उनको समतल करते हुए और किनारों की तरफ सफाई कराना और उसके बाद पानी को यहाँ छोड़ना। तो अभी 21 लेबर हैं और पोपलैन काम कर रही है और ट्रैक्टर और JCB आने वाला, तो अभी क्योंकि G20 की बैठक है, एतमादौला से लेकर अम्बेडकर पुल इससे जो आगे वाला पुल है वहाँ तक की सफाई। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि अम्बेडकर पुल के नीचे यमुना की समतलीकरण करने, सिल्ट सफाई करने व उसमें पानी छोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसे सिंचाई विभाग पूरी तरह से कर रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।